फ्रूट क्रॉप ड्रॉट टॉलरेंट कौन है तो पोम ग्रेनेट है जिसका ओरिजिन है इरान दैट इज पर्शिया पिगमेंट जो इसके रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इज एन तो साइन इन नाउ इंडिया जो है फर्स्ट पोजिशन में है विद रिस्पेक्ट टू बोथ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ पोम ग्रेनेट और इंडिया में कौन महाराष्ट्र उसके बाद कौन है कर्नाटका है आंध्र प्रदेश है गुजरात तमिलनाडु एंड राजस्थान नाउ पोम ग्रेनेट का जो जूस होता है वो बहुत ही यूजफुल होता है फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी नाउ जुलाई अगस्त को आइडियल टाइम माना जाता है इसके प्लांटिंग के लिए इन ट्रॉपिकल रीजन अम्बे बहाड़ जो कि फ्लारिंग सीजन है दैट इज़ मोस्टली प्रेफर्ड बाई ग्रोवर्स क्योंकि इस टाइम ईल्ड बहुत अच्छा होता है ठीक है और भी दो है हम देखेंगे उसे ना वाइल्ड टाइप अनार का क्या नाम है दैट इज दारू दारू है वाइल्ड टाइप है नाउ प्रेजेंटली भगावा ये लीडिंग वेराइटी है पोम ग्रेनेट का इंडिया में और ये ज़्यादातर महाराष्ट्र में ग्रो कराया जाता है प्रोपोकेशन कैसे करना है स्टेम कटिंग एंड एयर लेयरिंग गोटी उसमें बोला जाता है हम लोग उस समय भी देखे थे प्रोपोकेशन में नाउ द थ्री सीजन विच आई टॉक्ड अबाउट आहार ट्रीटमेंट और क्रॉप रेगुलेशन नाउ अम्बे मृग एंड हस्त अम्बे बाहर होता है जब हम लोग फ्लारिंग आ जाता है जनवरी एंड फेबररी में हार्वेस्टिंग हम जून अगस्त में कर लेते हैं और इस समय फ्लारिंग ज़्यादा होता है और ईल्ड भी अच्छा होता है इसीलिए ग्रोअर्स इस सीजन को प्रेफर करते हैं मृक बाहर फ्लारिंग टाइम क्या होता है जून जुलाई एंड हार्वेस्ट करते हैं हम नवंबर जनवरी में क्वालिटी उतना भी अच्छा नहीं होता है एंड ये बहुत ज्यादा प्रोन होता है इंसेक्ट पेस्ट और डिजीजेस के लिए तो इसीलिए इसको प्रेफर नहीं किया जाता है नाउ दी लास्ट वन हस्त बहार हस्त हंसना स्माइल एस से सेप्टेम्बर अक्टूबर फ्लारिंग सेप्टेंबर अक्टूबर से, हार्वेस्ट फेब अप्रैल इस समय भी फ्लारिंग बहुत ज़्यादा होता है फ्रूट का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है कलर सब कुछ बहुत प्रेफरेबल होता है तो इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं नाउ लेट्स सी सम ऑफ दी वेराइटीज़ जलोर सीडलेस ये राजस्थान में कॉमन है गणेश नाउ दिस इज़ अ सलेक्शन फ्रॉम अलंदी पॉपुलर इन महाराष्ट्र नेक्स्ट वन इज़ कंडारी ये मीडियम साइज फ्रूट क्रॉप है देन अरखता this is suitable for processing mridula is a cross between ganesh and gulab shah red now ruby jo hai ye three way cross se bana hai kahan pe bana hai iihr mein bana hai ye ek hybrid hai jyoti is a cross between basin seedless and dholka ab dholka kya hai naam se hi pata chal raha hai gujarat ka hai Bhagava जो कि हमने देखा leading variety महाराष्ट्र में ये bright red कलर का होता है That's why also known as Sinduri. मस्तानी एंड जय महाराष्ट्र ना द नेक्स्ट वन इज अम्ली दाना इज अ क्रॉस बिटवीन गणेश एंड नन्हा ये नया हाईब्रिड है ठीक है एंड द लास्ट वन इज वंडरफुल ओरिजिनेटिंग फ्राम यू एस ए विथ फ्रूट साइज लार्ज नाउ इनसेट पेस्ट अनार है तो अनार बटरफ्लाई लगेगा साइंटिफिकली नोन हैजेरा कोला आइसोक्रेट्स या फिर वी कैन से ड्यूडोरिक्स आइसो क्रेट्स ये सीरियस पेस्ट है पोमग्रेनेट का इसमें क्या होता है ना फ्रूट्स में हम देखते हैं कि पेंसिल साइज का गड्ढा हो जाता है ऐसे छेद छेद हो जाएगा जिसमें से लार्वल एक्सक्रीटा निकलते रहता है तो मैनेज क्या करना है कवर कर दो फ्रूट्स को बटर पेपर से फ्रूट कोई खा रहा है ना उसी को ढक दो या फिर वी कैन स्प्रे कार्बरिल फिफ्टी डब्लू पी एट द रेट ऑफ टू टू फोर ग्राम पर लीटर या फिर मिथोमाइल फोर्टी एस पी एट द रेट ऑफ वन एम एल पर लीटर और मोनोक्रोटोफॉस

डिजीजेस क्या है बैक्टीरियल ब्लाइट होता है इसमें कॉज्ड बाय जेंथोमोनास एक्जोनोपोड पैथोवर प्यूनिका ये जो होता है दिस इज आल्सो नोन एज नोडल ब्लाइट या फिर ब्लैक स्पॉट बोलते हैं महाराष्ट्र में इसको ऑयली स्पॉट या तेलिया बोलते हैं ना दो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है फ्रूट क्रैकिंग एंड इंटरनल ब्रेकडाउन फ्रूट क्रैकिंग किसके वजह से होता है एक तो हमें पता है कैल्शियम डिफिशेंसी देन बोरॉन एंड पोटेशियम डिफिशेंसी और इरेगुलर इरिगेशन की वजह से भी होता है अब इरिगेशन की वजह से है तो ज़्यादा कहाँ होगा राजस्थान में ड्राई एरियाज है मैनेज कैसे करें बोरेक्स का स्प्रे करो एट द रेट पॉइंट फाइव परसेंट ना इंटरनल ब्रेकडाउन इसमें क्या होता है जो एरल्स होता है वो डिस इंटीग्रेट कर जाते हैं मेच्योर प्रोग्रेनेट्स में एरल्स क्या होता है वो ब्राउन एंड ब्लैकनिंग हो जाता है उसमें और ये ज़्यादातर कब होता है अम्बे बहार मतलब जब जनवरी से ले कर जून वाला जो पीरियड होता है ना अम्बे बहार का जो सीज़न था हमने देखा जनवरी फेबररी में फ्लॉरिंग एंड हार्वेस्टिंग जून अगस्त में उस सीज़न में सबसे ज़्यादा प्रोन होता है ये So that's it about pomegranate. If you liked the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up to that. Take care. Bye bye.